की इस वीडियो के अंदर इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है। गाइस, इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों को 1971 की याद करवाई। गाइस, उनका कहना था कि 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमारे 90,000 फौजी इंडिया के कब्जे पर चले गए और जिसकी वजह से हमें बांग्लादेश को अलग करना पड़ा अपने आप से। तो गाइस, इमरान खान साहब को ये भी कहना था कि अगर इसी तरह चलता रहा मुल्क के जो मौजूदा सिनेरियोस है, मौजूदा जो सूरत हाल चल रहे हैं मुल्क के, अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान के भी मुझे टुकड़े होते हुए, पाकिस्तान भी बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी पब्लिक को कितनी सच्ची लगती है और क्या ऐसे हो सकता है या नहीं बढ़ सकता, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। हालात के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इसी टॉपिक के ऊपर जाएंगे। जो मौजूदा सिनेरियोस आपको नजर आ रही हैं, मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिकल लिहाज से, चलो इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी के बारे में बताइएगा कि कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, क्या किसी पड़ोसी का मुकाबला कर सकते हैं। अगर बात करें आप अफगानिस्तान की, अगर बात करें आप बांग्लादेश की, इंडिया की बात कर लें, किसी के साथ हम इस तरह मुकाबला कर सकते हैं इकोनॉमी के लिहाज से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब क्यों? जो इंटर रिलेशन होते हैं ना, एक्सटर्नल रिलेशन और इंटरनल रिलेशन, हम दोनों ख़राब हुए पड़े हैं। हमारे सेक्टर जो भी है ना, किसी कंट्रोल में है नहीं, वो एक दूसरे में कोई एक स्टेबिलिटी भी नहीं है, एक अच्छे ताल्लुकात में नहीं है। हमेशा जो भी आपकी इन्वेस्टर होते हैं ना, आपकी इकॉनमी बूस्टअप करते हैं, आपके इन्वेस्टर करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर बाहर से आते हैं ना, वही बूस्टअप करते हैं। अब जब आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक हुकूमत नहीं होगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, जिससे इकॉनमी डाउन टू डाउन चली जाएगी। आप कोई भी थर्ड क्लास कंट्री भी आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अफगानिस्तान है, ठीक है, उन्होंने 30 साल जंग लड़ी है, 50 साल जंग लड़ी, लेकिन अब नो स्टेबल वो जा रहे हैं। अब उनका जो अफगानी रुपया वो टॉप पे जा रहा है, लेकिन हम क्या है, डाउन पे डाउन जा रहे हैं। हमारी जो अब हमारे पास वो प्लान नहीं है, हमारे पास वो जो एक सिस्टम है ना कि ये प्लान है, पिछली हुकूमत आई उन्होंने जी नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करता है। हर हुकूमत क्या होती है, वो आती है, वो उसी को नहीं चलाती, वो अपना एक सेटअप चलाती है, वो 5 साल खाती है, पूरे 4 साल पूरे खाती है, जिस लास्ट अवाम में जाना होता है वो कोई सड़क बना दिया, पुल बना दिया, 2-4 पैसे दे दे, खुश करके वोट ले लेती है। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड अनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हरा दिया था, और इतना ही नहीं, हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर भी करवाया। हालांकि इससे भी बड़ी बदनामी वाली बात यह है कि पाकिस्तान को हराने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी जनता को ये बताया कि वो युद्ध जीत चुके हैं। हाँ, उन्हें उनकी जनता की बेइज्जती झेलनी ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी जनता से झूठ बोला। और तब से पूरी दुनिया, जिसमें इंडिया भी शामिल थी, ये मानते आ रहे हैं कि 1971 इंडो पाक युद्ध में जीत इंडिया की हुई। वहीं पाकिस्तान के लोग ये मानते रहे कि जीत पाकिस्तान की हुई। लेकिन आखिरकार अब इमरान खान ने एक्सेप्ट किया कि उस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि इमरान खान के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं। कंट्रोल कोई करता है, मतलब सरकार की तरफ से जब मीडिया पे कंट्रोल होता है तो फिर ऐसे सच छुपाए जाते हैं। अब कितनी बड़ी फेक खबर चलाई, हमने इंटरनेट बहाल कर दिया। कहाँ बहाल किया, 9 मई से बंद है, और आज तक मैं VPN से अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ, और VPN के थ्रू ही अपना YouTube चला रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं ऑन किया हुआ, क्योंकि आज कल भी निकले थे और आज भी शायद बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे और वहाँ पे इजलास होगा, पता नहीं क्या। अच्छा, 14 मई, ये तो चलो इमरान खान की एक बात ही ना, इलेक्शन करवाने वाली, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर 9 मई हुआ, फिर वो 3 दिन जो कयामत के गुजरे, लोगों और हुकूमतों के बीच लड़ाइयां हुई, लेकिन उसमें उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया कि मशरकी पाकिस्तान हमारे अपने हाथों से बर्बाद हुआ। उनके साथ भी सेम हुआ, पार्टी बहुत बड़ी थी, इलेक्शन वो जीत गए शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन उनको हुकूमत बनाने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर मशरकी पाकिस्तान ने कहा हमें तुम लोगों का साथ चाहिए नहीं, उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने अलग देश की घोषणा कर दी और इतना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से खो गया। और अगर यही उनका मैंडेट ना चुराया जाता, उनको वहां पर हुकूमत बनाई, तो आज मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता, उसके बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ मिलते हैं। तो तब भी कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट का ही था इमरान खान के बकौल, और कहते हमें तो पता ही नहीं था, हम जब बाहर गए, इंग्लैंड गए, हमें पता चला। हमें भी ऐसे, आज भी ऐसे, हमें पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सी बातों का दोस्तों खबर अता पता नहीं होता। अब तो सोशल मीडिया आ गया है, किसी की ट्वीट पढ़ के पता चल जाता है, किसी की यूट्यूब वीडियो के थ्रू पता चल जाता है, किसी के टॉक शो में पता चल जाता है, अब लोग बोलते हैं। लेकिन हमारा पाक मीडिया 9 मई से लेके अब तक सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहा उस तरह से। हो सकता
सकता है सिक्योरिटी इश्यू। अब इमरान खान ने बोला है कि हमारे 93,000 जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया, हारे वो। तो मशरकी पाकिस्तान आज देखिए बांग्लादेश हमसे कितना हेट करता है, उनको पता है कि भाई इस मुल्क ने हमें हमारा हक नहीं दिया। और सबसे ज्यादा तहरीके पाकिस्तान के लिए मशरकी पाकिस्तान से उठी थी और आज वो टाइटल उनके पास है। क्या सर कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि हमारे 93,000 जो अफवाह थे वो इंडिया के कब्जे में चली गई थी। सर कैसे देखते हैं आप, हम जब अपने पास को देखकर क्या हम अपने मौजूदा हालात को बदल नहीं सकते? अगर हम देखेंगे 90s के टाइम के इंडिया के अंदर उनकी GDP भी इतनी ग्रो नहीं करी थी, उनको इकोनॉमी भी इतनी ग्रो नहीं करी थी। सर आज उन्होंने सीख के आज देखी दुनिया की पाँचवीं बड़ी इकोनॉमी बना ली और हम कहाँ पर, हम दिवालिया होने के कगार पर हैं। हम सीखते क्यों नहीं? हम कौम है ऐसा। पॉलिसी ऐसी हुई है मुल्क में पिछले 5-7 साल में, उसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया हमारे। सर हम कौम है, कौम होना चाहिए हमें, इंडिया तरक्की कर गया हम क्यों नहीं कर? कौम होना चाहिए। इसी तरह वो डिवाइड करना चाह रहा है, आपस में फूट डालना चाह रहा है, गली गलों में वो लड़ाई कराना चाह रहा है और ये अल्लाह फजल करे ये होगा नहीं। जिस कंसेप्ट की स्टेटमेंट आई उन्होंने कहा कि हमारे इसी नाहले की वजह से 1971 को हमारे 93,000 फौजी इंडिया के कब्जे में चले गए और हमारे फौजियों ने वहां पर सरेंडर किया, उनका ये कहना। और उन्होंने कहा कि अगर आज हम इतने स्ट्रॉन्ग होते उस टाइम के अंदर तो हमसे ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो हमसे अलग ना हुआ होता। कहते हैं कि आज जो हम मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है ये पाकिस्तान के हिस्से होते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना मुतफिक करते हैं इमरान खान साहब की इस बात से और उनकी बात आपको कितनी सच्ची लगती है? देखिए जो पाकिस्तान अभी चल रहा है ना, मतलब अब अगर हम पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है, लेकिन अब जैसे हालात करंट आप देख रहे हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हालात तो वही उसी की तरफ जा रहे हैं। अब उसी टाइम भी देखा जाए तो आप सोचते हैं कि डू यू थिंक पाकिस्तान हैव डेमोक्रेटिक कंट्री? तो मसला ये है, अब है सब कुछ है, हमारे आइन पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अब उस टाइम भी देख लें शेख जीता पड़ा था तो उसने अपनी साइड तो लेनी थी। अब भी देख लें वही है, 90 दिन का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें या फिर हुकूमत का देख लें, सारा सिस्टम क्या जा रहा है, उलट जा रहा है। जब तक सिस्टम आप आइन पे, एक जो मुल्क आइन पे चलता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, जब तक वो नहीं चलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात है। हम बिलीव कर रहे हैं डिक्टेटरशिप है, हम अब लिव ही डिक्टेटरशिप पे हैं, जो सर्वाइव में है वो डिक्टेटरशिप है। अगर उसको ख़त्म कर दो, डेमोक्रेसी को ले आओ, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर अल्लाह ना करे बांग्लादेश हमसे अलग होना कितनी बड़ी हमारे लिए बात है, कि कितनी बड़ी हमें दुख की बात है, लेकिन बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, क्या हमने बांग्लादेश के अलग होने से कुछ सीखा या नहीं सीखा? देखें जो आपका सिस्टम चल रहा है ना इस टाइम या पहले ही चल रहा है, वो सारा चल रहा है डिक्टेटरशिप पे। अब चंद लोग हैं जो इसके मज़े उठा रहे हैं, तो बांग्लादेश अगर अलहदा हुआ है तो वो अपने अब देख लें, उनका टक्का 3 रुपए का हो गया है, 3 रुपए का एक टक्का है। और इंडिया की देख लें डेमोक्रेसी, वो भी टॉप पे चल रही है। अगर वो तो सही चल रहे हैं हमसे, हम क्यों हैं, हम अंडर प्रेशर चल रहे हैं। और जो सिस्टम है, जो समझ लें कि जो हायर लेवल है उनके पैसे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का लेवल क्या डाउन जा रहा है। तो अगर हम बात की जाए बेसिक वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको आप बेस बनाएंगे डेमोक्रेसी नहीं है। और जो यूट्यूब के थ्रू वीडियोज आई वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चली है। पता नहीं क्या डर रहे हैं भाई, इंटरनेट बंद कर करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है और मजीद नुकसान की तरफ कंट्री को धकेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज किया जा रहा है, उन्होंने भारत की बात की कि जितना हमें भारत ने नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत ने, मैं पाकिस्तान से हूं और मेरे लिए तो अपने मुल्क ही सब कुछ है ना भाई, हम जितना मर्जी एतराज कर ले, जितनी मर्जी बातें कर ले, रहते तो हम यही है ना, खाते तो हम इसी मुल्क का है ना, नेशनैलिटी तो हमारी पाकिस्तानी है ना। लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है और हम इसको मानते हैं कि भारत ने हमारी साख को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, भारत ने हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश नहीं की। जंग से ही डैमेज आता है ना मुल्क में, जब जंग ही हमने शुरू की हो तो हम क्या क्लेम करें भारत पे? उन्होंने कभी भी हम पे अटैक नहीं किया। POK की बात, वो हम उनको आजाद कश्मीर कहते हैं, वो एक मसला तो है लेकिन कभी उन्होंने उसको छीनने की कोशिश नहीं की, हर चीज को डायलॉग की तरफ ले लिया। दहशत गर्दी उसको भी वो डायलॉग के थ्रू हल करना चाहते हैं। चलो जैसे भी है, इमरान खान की एक चीज है, हुकूमत के अंदर होते हैं तो इंडिया के अगेंस्ट चले जाते हैं, हुकूमत से बाहर चलते हैं तो इंडिया की तारीफ है, डॉक्टर जयशंकर की तारीफ है। तो ये जो यू टर्न पॉलिसी है ना, ये हमेशा से ही है और ये ही इनका गेम बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इतना ही अच्छा भारत के लिए अब हो रहे हैं ना, इतना
जब ये पीएम थे तब बोलते ना तो शायद आज जो हमारी सिचुएशन है थोड़ी सी चेंज होती। अगर जब पीएम को बोलते हैं ना सुबह का बुला शाम को अगर आज वो बुला नहीं कहते, अगर ये अगर अब इनकी हुकूमत आती है ठीक है और अब अगर ये भारत जिस तरह से इन्होंने बंद की थी उसी तरह से ये ओपन कर ले तो फिर तो मैं मानूंगी कि बल्ले ही बल्ले। अच्छा है ना, अच्छा है। और ये बार बार एस्टेब्लिशमेंट से टकराते हैं, मैं इनको यही कहूंगी, इमरान खान से मैं यही कहूंगी कि आपको कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो और इदारे ही आपका हुक्म नहीं मानेंगे तो हुकूमत कैसे चलाओगे बताओ। तो जरूरी नहीं अवाम के दम पे नहीं कुछ हो सकता। हम क्या आप ये सोचते हो अवाम सारी मेरे साथ है, अवाम है आपके साथ, नो डाउट सारा पाकिस्तान में चलो मान लेती हूँ आपके साथ है, लेकिन अवाम ने तो पहले भी तो आपको वोट दे के लेके आए ना, तो क्यों अवाम ने तो नहीं बाहर निकाला इन्होंने, तो जिन्होंने आपको बाहर निकाला उनके साथ बना के रखे हैं। अवाम का वोट आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये मेरी एडवाइस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी राय कमेंट शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो सिनेरियोज है मुल्क के कहां किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, क्या आपने आपकी एज माशाल्लाह से मेरे से तो बड़ी हैं आप, तो आपने जितनी अपनी उम्र देखी उसमें से पाकिस्तान के इस किस्म के हालात देखे जो अभी थे या नहीं देखे? कभी भी नहीं ऐसा हुआ, कभी भी नहीं। बड़े बड़े हालात रहे हैं, भुट्टो के दौर में बड़े हंगामे हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, जनरल ज़िया ने टेक ऑफ किया था, वैसे हालात कभी नहीं हुए जो अब इस दफा हो गए। क्या वजूहत? उस अना का मसला लिया हुआ लोगों ने, मतलब वो दूसरी जो है ना ये इमरान खान तो बिल्कुल अपनी अना ली हुई है कि मैं हूँगा तो पाकिस्तान हुआ है, मैं नहीं तो पाकिस्तान ना, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। सर जिस तरह से देख रहे हैं अभी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा 71 को हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ बांग्लादेश, कह रहे हैं कि अगर इसी तरह यही स्ट्रेटजी रही तो पूरा पाकिस्तान हमारे हाथ से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते। वो यही चाह रहा है कि मुल्क डिवाइड हो जाए, कई हिस्से बन जाए इसके। अच्छा, वो मतलब फ्रंटियर तो उनको ऑलरेडी उनको एक किस्म का दे दिया हुआ है।